तो दोस्तों फाइनली अब वो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जो खबर हमारी वायुसेना को यहाँ पर कई गुना ताकत से भर देगी। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में तेजस मार्क 1A की शुरुआती डिलीवरी यहाँ पर करना स्टार्ट हो जाएगा और इस बात की जानकारी यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख सर बीआर चौधरी के एक संबोधन के दौरान उन्होंने बताया। और इसके साथ ही यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मार्च 2024 में इन एडवांस तेजस विमानों को एक नई स्क्वाड्रन का गठन करते हुए उसके अंदर शामिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये फाइटर जेट पूरी तरह से रेडी टू वॉर होंगे और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ये दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। और फाइनल अब वो समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना के अंदर MiG-21 को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और यहाँ पर तेजस Mark 1A को उसकी जगह पर प्लेस किया जाएगा। यानी कि ये जो रिटायरमेंट है वो अभी समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर तेजस Mark 1A फाइटर जेट को इंडक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है कि यहाँ पर इस बात की सराहना होनी चाहिए कि HAL द्वारा यहाँ पर जो प्रोमिसेस भारतीय वायुसेना के लिए किए गए थे उसी के अनुरूप इस पर काम किया गया। और इसके अलावा बीआर चौधरी जी की तरफ से इस बात को भी दोहराया गया जिसमें उन्होंने 97 एडिशनल Mark 1A की खरीद को लेकर बात कही थी। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए 97 की संख्या में एडिशनल LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहती है। और ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर जो प्लानिंग भारतीय वायुसेना की तरफ से चल रही थी वो आज भी एज इट इज है। और इसको लेकर दो खबरें यहाँ पर काफी बुरी थी जिनके बारे में हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये उत्तम ऐसा रडार इसके लिए जो तैयार किया गया है और साथ में उसको लेकर शुरुआत में बताया जा रहा था कि ये 21वें फाइटर जेट से लगाना स्टार्ट कर दिया जाएगा जो कि रिप्लेस यहाँ पर करेगा इजरायली रडार सिस्टम को। और अब आपको बता दें कि वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा और अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसी को यहाँ पर 40वें फाइटर जेट से रिप्लेस करना स्टार्ट किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है, इसमें आखिरकार इतना डिले क्यों देखा जा रहा है, इस बारे में कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कम से कम 20 विमान इस चक्कर में और लेट हो चुके हैं। और अगर स्पेशली यहाँ पर रडार सिस्टम की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर और भी दुखद ये है कि तेजस Mark 1A परियोजना को यहाँ पर काफी पीछे ढकेल देती है और वो ये थी कि अमेरिका अपने F414 इंजन को डिलीवर वेपन नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों हमने पहले भी आपको ये वीडियोस में बताया था कि HAL यहाँ पर तैयारियां करके बैठा है कि जल्द से जल्द तेजस Mark 1A की यहाँ पर डिलीवरी दी जाए। इसके लिए 24 फाइटर जेट हर साल हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और ये 2025-26 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वो हर साल केवल 20 इंजन यहाँ पर बनाने में सक्षम है और ऐसी स्थिति में केवल 20 इंजन को भारत के अंदर प्रोवाइड कराया जा सकता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो जो 24 फाइटर जेट का आंकड़ा HAL की तरफ से यहां पर बनाया जा रहा है उसे कर पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये बुरी खबर जरूर थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन फिर भी यहां पर देखा जाए तो HAL हर साल में 20 फाइटर जेट को यहां पर डिलीवर कर पाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस इंजन को लेकर जो तेजस Mark 1A के अंदर इस्तेमाल किया जाना है यानी F404IN20 इंजन, इसको लेकर कई सारे एडवांसमेंट यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिए जा रहे हैं जो कि तेजस Mark 1A के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होगा। और ऐसे में यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस तरह की एडवांसमेंट इस फाइटर जेट इंजन के अंदर कर देने के बाद में इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज यहाँ पर पहले की तुलना में ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरा फायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि इन फाइटर जेट के अंदर जो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर खर्च आता है उसमें भी काफी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अभी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर नहीं बताया गया है कि आखिरकार कौन से एडवांसमेंट यहाँ पर किए जाने हैं और क्या अभी तक किए जा चुके हैं, लेकिन संभवतः यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर और कुछ पार्ट्स वगैरह को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि ये काफी ज्यादा फ्यूल की बचत कर पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इंजन इनहेंसमेंट के चलते इसका थ्रस्ट नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन फ्यूल वगैरह में अच्छी खासी बचत ये दे पाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेजस को लेकर जितनी भी अभी खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी पॉजिटिव है, वायुसेना के लिए अच्छी है।
और इसी के साथ दोस्तों अब यहां पर टाटा और एयरबस के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील साइन होने वाली है। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने स्टार्ट करना चाहती हैं। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों इतना बड़ा है कि अगर ये प्रोजेक्ट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर ये जो पूरा मार्केट है 55 से 60 बिलियन डॉलर का मार्केट है और साथ ही ये 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुँच जाएगा। और दोस्तों सच माने कि एशिया के अंदर ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है और इसके बाद में चीन इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए कई बार कोशिश कर चुका है लेकिन चीन यहाँ पर पूरी तरह से विफल रहा है। और इसका कारण ये है कि चीन के पास इसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और जो है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है और इसीलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस इनके साथ एक बड़ी डील करने की कोशिश की थी और उनको ये ऑफर दिया गया था कि आप हमारे देश के अंदर यह प्रोडक्ट बनाइए लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर यहाँ पर शक था और इसीलिए कोई भी डील यहाँ पर नहीं हो पाई। इसके बाद में आपको बता दें कि चीन ने यहाँ पर पुराना पैंतरा अपनाया और बोइंग और एयरबस के सीक्रेट यहाँ पर चुराने की कोशिश की और फिर अपनी इस चुराई गई टेक्नोलॉजी के बेस पर नए प्रोडक्ट को तैयार करने की स्टार्टिंग की गई लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से फैल रहा और इसी वजह से चीन यहाँ पर पूरी तरह से पिछड़ चुका है। और दोस्तों सच माने कि इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के भारत आने की वजह से टाटा अब एयरबस के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के ऊपर यूरोप को और पश्चिमी देशों को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रस्ट है क्योंकि भारत अभी तक किसी भी तरह से इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे कि दूसरे देशों को लगता हो कि उनकी टेक्नोलॉजी यहां पर भारत चुरा सकता है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर फ्रांस और यूरोपियन कंपनी एयरबस को भारत के साथ ये डील करवा रहा है और ये डील लगभग हो चुकी है और भारत की कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत के अंदर ये प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा H125। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है जिसको इन दोनों कंपनियों की तरफ से यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये गुजरात के अंदर बड़ौदा के अंदर ये एक अपना प्लांट लगाएंगे जिसके अंदर ये सारे सिविल हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि सिविलियन हेलीकॉप्टर की जो मांग है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के अंदर बहुत ही बड़ी तरह से यहाँ पर बढ़ रही है और इसी का लाभ उठाने के लिए भारत और एयरबस ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए एक ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे जो कि 500 से ज्यादा की संख्या में बनाया जाएगा। और यहाँ पर जानकारों का मानना है कि अभी जो डिमांड आ रही है वो यहाँ पर अगले 10 सालों के अंदर 500 से भी ज्यादा की संख्या में इन हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है जो कि इस कंपनी के द्वारा मिलकर भारत की टाटा कंपनी यहाँ पर बनाकर तैयार करेगी और यहाँ पर बड़ी मात्रा में सप्लाई किए जाएंगे। और दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत के अंदर जब ये बनाए जाएंगे तो बड़ी मात्रा में चीन के अंदर भी इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा और इससे भारत की यहाँ पर मोटी कमाई हो सकती है और जो कि चीन से होगी और साथ ही एशियन देशों से होगी। और दोस्तों सच माने कि इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से भारत की आम जनता को भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी कई सारे मामलों में जैसे कि एयर एम्बुलेंस का मामला अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर्स को इसके लिए यूज में लिया जाता है और इसी के पर्पस को देखते हुए अब यहाँ पर भारत के जो एयर एम्बुलेंस है उनको भी यहाँ पर सिविलियंस हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होगी और इसी के चलते यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों दूर दराज के इलाके हैं साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर भी ऐसी स्थितियां अक्सर बन जाती है जहां पर सेना के द्वारा ऑपरेशंस चलाए जाते हैं और उसमें काफी समय लगता है। ऐसे में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होने की वजह से जो सिविलियन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो सरकार यहां पर मुहैया कराएगी तो उसके चलते यहां पर काफी ज्यादा फायदा ऐसे एरियाओं में मिल सकता है। और ऐसे में दोस्तों जब ये हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर बनेंगे और जो कंपनियां यहां पर सर्विसेज देती हैं उनके अंदर यहां पर वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी और यहां पर वर्कर्स की संख्या बढ़ने से आम लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। और सच मानिए कि जब ये हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर बनेंगे तो इसके रेट्स काफी नीचे आएंगे और इसी के चलते आम लोग जो कि अभी तक दूर दराजों के क्षेत्रों में जाने के लिए दूसरी सेवाओं को लेते हैं वो यहां पर इस तरह की हेलीकॉप्टर
सर्विसेज को ले पाएंगे और इसी का फायदा पूरे भारत के अंदर मिलेगा, जहां पर पहाड़ी एरियाओं और दूसरे ऐसे एरियाओं जहां पर यातायात के साधन कम है वहां पर इनको लगाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन बड़े अपडेट्स को लेकर आपका यहां पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।